नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील सिंह राजपूत आज बात करता हूं। बीती रात में काफी चर्चाओं में रहा ये वीडियो। वीडियो में ऐसा क्या है? वीडियो में जब हमने उस पर पड़ताल की, जब हमने देखा सार्वजनिक जनों के बीच में यह नशीला पदार्थ खुलेआम फ्री में बांटा जा रहा है, वहीं पर एक युवा जिसका नाम अमन चौहान बताया जा रहा है, जिसने पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड की और इसका विरोध किया। अब बात करते हैं वीडियो में ऐसा क्या है। जब हमने वीडियो को पूरी तहकीकात की और पड़ताल किया तो उसमें हमने देखा ये युवा सार्वजनिक जहां पर इसका प्रचार हो रहा था वहां पर बीच में गया और इसका विरोध किया। वीडियो में हम आप देख सकते हैं कि खुले में हाथ में लेकर इसका प्रचार किया जा रहा है और बच्चों को भी फ्री में ये दिया जा रहा है। यह ऐसा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताया जा रहा है। प्रशासन ने भी अभी तक कोई नहीं की कार्यवाही। अभी तक खुलेआम बाजारों में बिकते ही थे ये नशीले पदार्थ, अब कंपनियों ने खुलेआम फ्री में बेचना शुरू कर दिया है इन पदार्थों को। बड़ा सवाल उभर के ये आया है कि जब मार्केट में जब फ्री ये नशीले पदार्थ मिलने लगेंगे तो आने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाली नई पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं, यह जो मुद्दा जो उठाया है अमन चौहान ने, जो एक युवा है, अब देखते हैं इस पर कितनी कार्रवाई होती है, कितनी नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल यूथ इंडिया लाइव। जय हिंद, जय भारत।